अलवफा न्यूज रहे खबरों से बाखबर। कराची से रवाना होने वाली हजारा एक्सप्रेस नवाबशाह के करीब पटरी से उतरकर हादसे का शिकार। ट्रेन में फंसे मुसाफिरों की कई घंटों मदद के लिए चीखो पुकार। मदद के लिए सबसे पहले मकामी लोग पहुंचे, फिर रेस्क्यू का अमला। ये हादसा था या तकरीबकारी, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। वजीर रेलवे साद रफीक, आर्मी चीफ का ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार। फौजी जवानों को फौरन इमदादी कामों के लिए रवाना कर दिया। हादसे के बाद ट्रेनों की आमद और रफ्त बंद होने के 17 घंटे बाद बहाल कर दी गई। हादसे की तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत ने फौरन इमदादी कामों का आगाज कर दिया। हादसे में 30 से ज्यादा मुसाफिर अफराद जान बहक, जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हुए, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहे अलवफा न्यूज कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।